सो हे गाइस, मेरे पास आज ये रियलमी जी टी मास्टर एडिशन, इसमें एक नया अपडेट देखने को मिला है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। कुछ नए चीज़ें आई हैं, कुछ फिक्सेस आए हैं, कुछ यहाँ पे इश्यूज कोई नए तो नहीं आए, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अबाउट फोन में चल जाए तो बता दूँ, वर्जन 3.0 नहीं देखने को मिला है। अगर बहुत से लोग इसका वेट कर रहे हो, वो अभी थोड़ा सा लेट आएगा, बट मैं अपडेट के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नया क्या है। सो हाँ, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ था तो मैंने उसको ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियलमी यू आई 2.0 एंड्रॉइड 11, और यहाँ पे जो अपडेट का नाम है वो है RMX 3360 11 A.07। तो ये नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और ये 12 तारीख का वैसे तो रिलीज था, पर मेरे को अभी देखने को मिला है, थोड़ा सा लेट आया, तो जिनको नहीं आया उनको भी आ जाएगा। सो गाइस, मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज कर रहा था और मेरे को पसंद आया। ये है पीट्रोन्स के बेस बड्स लाइट, और ये हाँ, मैं अपार शक्ति भैया की बात नहीं कर रहा था, मैं ईयरफोन्स के बारे में बात कर रहा था। So, ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं और ये काफी अच्छे वाले ईयरबड्स हैं। अगर आपको परचेस करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। इसके भी कुछ फीचर्स बता दूं, इसमें यहाँ पे जो केस है उसमें 400 एमएच की बैटरी है, और ऑल्सो यहाँ पे 40 एमएच की बैटरी इसके बड्स में भी मिलती है पर्टिकुलरली, और इसे आप 1 घंटे में पूरा चार्ज कर सकते हो और 20 आवर्स आराम से ये लगातार चलता है। तो मैं इसका आपको केस दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये पीट्रोन का केस, एंड ऑल्सो इसको अगर मैं ऐसे खोल लूँ तो यहाँ से बड्स हमारे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसी शेप के साथ आते हैं, ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है, बेस काफी अच्छी है। आई डोंट नो आपको ये सीधा दिखा था या उल्टा दिखा था, तो जैसे भी दिखा था पढ़ लेना, मैं नीचे नाम भी लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डायरेक्टली परचेस करो। अगर आप इसे परचेस करते हो तो आपकी पैसे की पूरी वर्थ आ रही है, और आप इसको जरूर से एंजॉय करोगे। बेस लेवल मेरे को बड़े अच्छे लगे इसके, एंड म्यूजिक, और साथ में ना ये थोड़ा सा कर्व्ड आता है, देखो तो ये काफी यूनिक सा लगता है। सो आपको ये मजा आएगा अगर आप इसको परचेस करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए मैं थोड़ा सा अपडेट लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर का एक्चुअली एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आ चुका है, और जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको दिखा दूंगा, 5 सितंबर का है। तो ठीक है, तो लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है, देखिए सामने आपके। नेटवर्क का इन्होंने थोड़ा सा फिक्स दिया है, कहने की मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ में थोड़ी सी वीकनेस थी, बट मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ पे इन्होंने फिर भी फिक्सेस दे दिए। अगर आपके एरिया में कुछ था तो मे बी आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इन्होंने डाउनलोड स्पीड यहाँ पे वाईफाई की इंक्रीज करी है, मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, मेरा 100 Mbps का यहाँ पर प्लान है और ये आराम से उतना खींच लेता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। सिस्टम में इन्होंने कहा है कि इशू है कोई फ़ोन का जो कि कहीं पे क्रैश वगैरह कर देता है, तो वो भी यहाँ पे मेरे को आज तक देखने को मिला नहीं है, तो इन्होंने फिक्स किया है। बाकी ऑडियो का ये बोल रहे हैं कि ओकेजनली अगर आप क्रोम में देखते हो, या मतलब आप क्रोम में जाकर कोई वीडियो वगैरह देखते हो या कोई ऑडियो फाइल देखते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फिक्स कर दिया गया है। गेम्स के अंदर लेटेंसी ठीक की है वाईफाई के साथ, ये भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि मैंने कहा आपको स्पीड बहुत अच्छी आती है, बट कुछ लोगों को हो सकता है मे बी, मैं 5 GHz और 2.4 दोनों पे टेस्ट कर चुका हूँ, दोनों में काफ़ी सही आती है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, और ये सारी आप इन्फॉर्मेशन ज़रा सा पढ़ लेना अपडेट करने से पहले, और जब भी आप अपडेट करते हो तो बैकअप जरूर से करें। सो अभी देखो गाइस, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टेट की गई है ना, मेरे को इसमें से कोई भी अभी तक प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिली है, तो यहाँ पर क्या ही फिक्स हुआ है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट एक चीज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको वो दिक्कत आती है तो मेरे को ज़रूर से बताना, मैंने नोट किया था, अभी पता नहीं वो यूट्यूब पर पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, ये चीज़ मैंने नोट की है। तो यहाँ पे जो 4K 60fps की वीडियो होती है ना, आप अगर खोलेंगे ना तो यहाँ पे 60fps के ऊपर ना वीडियो कई बार लैग करती है बहुत ज़्यादा। सो देखो गाइज, अभी जो है यहाँ पे वीडियो आपको लैग करती हुई दिख रही होगी प्रॉपर, और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल 4K 60 के ऊपर यहाँ पे सेट कर रखा है, तो ये वीडियो यहाँ पे लैग कर रही है। सो ये लैग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी फ़ोन्स में भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4K डिस्प्ले होगा तभी ये सही से चलेगा, क्योंकि बाकी फ़ोन्स पे टेस्ट करता हूँ उस पे ऐसा कुछ नहीं होता, उस पे आराम से चलता है, बट इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है और इस अपडेट में ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ। पहले तो आप ये देख लो कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है वो 5 सितंबर पे आ चुका है, सो जो कि अच्छी बात है। और इस अपडेट के बाद एक नया इशू ऐड हुआ है, वो पहले वाला तो पहले से ही था। इसमें यहाँ पे आप देखो, जब मैं 4K 60fps की वीडियो खोलूंगा तो एकदम से डिस्प्ले हल्की सी येलो पड़ जाती है, वार्म हो जाती है, और जैसे मैं बैक करूंगा ये वाइट हो जाती है। मतलब ये एक नया इशू आया है इस अपडेट के बाद। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको चलाता हूँ, हल्का सा येलो और बंद करने पर वाइट हो जाता है। तो ये कैसा बग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है? मतलब हल्का सा ट्रेंड चेंज हो जाता है, यहाँ पे कलर मोड चेंज हो जाता है, ये एक नया ही इशू है, ये समझ के बाहर है। बट आई होप ये रियलमी अगले अपडेट में इस चीज़ को ठीक कर देंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर से ठीक हो सकता है। बाकी गाइस, मैंने इसका एंटीटू रन करके देख लिया था, और ये मेरे पास आए हैं स्कोर, और इसके जनरली जितने पहले स्कोर्स आते हैं उसी के आसपास इसके स्कोर्स हैं, तो हाँ भाई अच्छा है। और BGMI वगैरह मैंने खेल के देखी थी, बिल्कुल वैसी ही सेटिंग से ऊपर चल रही है, कुछ नया चेंज नहीं हुआ। तो ये था जी टी मास्टर एडिशन का नया अपडेट, जिसमें कुछ खास तो नहीं आया है, बट जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो इन्होंने स्टेट की, वो थोड़ी ठीक हो जाएंगी। मेरे को तो ऑलरेडी नहीं आ रही थी, बट चलो जिनकी आ रही होगी एटलीस्ट वो तो ठीक हो ही जाएगी।
मैं चाहूंगा Realme जल्दी से अपडेट से वो जो टिंट वाला इशू आया है ना वो जल्दी से ठीक कर दे। ये सिर्फ 4K 60 FPS वाली वीडियो पे आ रहा है, वैसे नहीं देखने को मिल रहा। बाकी ओवरऑल मैं GT Master Edition से काफी खुश हूँ, काफी अच्छा फोन है, काफी मजा आता चला के, फोटोग्राफी भी अच्छी है और यहाँ पे BGMI वगैरह भी अच्छी चलती है। आप मेरे को बताओ आपका अपडेट आ गया, आपने कोई और इशू तो नहीं फेस किया? अगर किया है तो मेरे को जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना चैनल के लिए ख्याल की स्मेलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।